और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में, एक पहली कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की, अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है, तो आरती के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसके पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी दो बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती है, उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल, जब से आप आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है वो उनको? बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी? हाँ, है क्या साथ में? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है, क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उसे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज भेज, वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बेटी, तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। अच्छा, आपने सबने वैक्सीन ले लिया क्या याकूब जी? हाँ जी, वैक्सीन ले लिया सबने? वैक्सीनेशन करवा लिया याकूब? हाँ जी, दोनों वैक्सीन लिया मैंने, और लड़कियों ने भी लिया है स्कूल में से। तो इस बार ईद कैसी मनाई, रमजान कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी, बहुत अच्छी तरह से मनाया। हाँ, सबसे मनाया। तो ईद में बेटियों को क्या दिया? ईद में उनको पैसा दिया, तो कपड़े लाए और उनके जरूरत की चीजें लाई। अच्छा, देखिए ये बेटियों का सपना पूरा करना। हाँ जी, हाँ जी सर जी। हाँ, और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी, ठीक है। देखिए मैं अयूब जी आपका और आपकी बेटियों का विशेष अभिनंदन करता हूँ। हाँ। पहले तो आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया, रमजान भी बहुत बढ़िया से मनाया, ईद भी बढ़िया से मनाई, और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप अपने शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो, और बेटियों को डॉक्टर बनाना और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी।